अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल अजरंदी किचन। आज अपने किचन में आपको सिखाने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और बहुत नेचुरल चीज़ों से हम ये बनाने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इन्ग्रीडियंट इसमें नहीं जाते। चलें बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये बन रहा है पीनट बटर। 750 ग्राम हमने मूंगफली ली है, यानी कि 750 ग्राम्स पीनट्स हैं, उन्हें हम रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट हम इसलिए करते हैं, एक तो कच्ची हैं इस वजह से, दूसरी वजह यह है कि आप इसमें से थोड़ा सा ऑयल रिलीज हो जाता है और छिलके इसके इजीली रिमूव हो जाते हैं। ये देखें, दूसरे साइड पर भी मैं दूसरे चूल्हे पर कर रही थी, दोनों को मैंने एक साथ ही किया है और अच्छा सा कलर आने तक हम इन्हें रोस्ट करेंगे। अब देखें, ये हल्की हल्की सी रोस्ट होने लगी हैं, इनका छिलका भी फट गया है, एक तरह से उतरने लगा है और थोड़ी सी ब्राउन भी हो गई हैं। ये दूसरी वाली देखें, दोनों ही हो गई हैं अच्छे से। अब हम इनको ठंडे होने के बाद, इसका जो छिलका है, स्किन है, बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है। इस तरह से कपड़े में कर लें आप, दोनों हाथों से कर लें तो बहुत ईजीली निकल आता है, गर्म इतनी जल्दी नहीं निकलता इसका छिलका। इसके छिलका ठंडा होने के बाद ईजीली उतर जाता है। इस तरह से आप दोनों हाथ से प्रेस करें या एक पोटली सी बना लें, ये देखें इस तरह से, और अच्छे से मस लें हाथों से दोनों। ये देखें, सारा इसका छिलका निकल गया। अब मैं इसको एक प्लेट में डालकर तो इसको झाड़ लूँगी 2 से 3 बार। इस तरह से देखें, सारा छिलका इसका बाहर आ जाएगा हल्के। देखें, सारा छिलका बाहर आ गया। 2 से 3 बार मैंने इसे इस तरह से झाड़ा है, बस ये ठीक है। अब हम इसे एक बार और रोस्ट करेंगे, क्योंकि इसका हमें बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर ऐड करना है। हमें कोई इसमें आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर ऐड नहीं करना है। ये देखें, कलर के अलावा भुनी हुई मूंगफली का, यानी पीनट, जो रोस्टेड पीनट होती है, उसका अच्छा ही फ्लेवर आता है। ये देखें, दूसरी भी हमने कर ली दूसरे साइड पर, दोनों रोस्ट हो गई हैं। ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया है। बस अब हम इसे इसी तरह गर्म या ठंडा जैसा भी हो आप इसे ग्राइंड कर लें। अब हम इसे ग्राइंडर में ऐड कर देंगे। आप चाहें तो जूसर के जग में या मसाले वाली छोटी जार होती है उसमें भी आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन आपने इसे बहुत एहतियात से ग्राइंड करना है। हमने इसको जब तक ये थोड़ा सा लिक्विड ही नहीं हो जाता, पल्स मूव कर ही चलाना है। देखें इस तरह से, एक सेकेंड के लिए मैं इसे पल्स कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ, पल्स कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ। देखें और कितनी जल्दी क्रम्बली हो गया है। बहुत ही पेशेंस के साथ आपने इसको बनाना है, आपने कोई जल्दबाजी नहीं करनी है इसको ग्राइंड करते हुए। बस इसका यही काम है कि आप इसे ग्राइंड करें और मिक्स करें, फिर ग्राइंड करें, फिर मिक्स करें, और आपने इसको जब तक ये लिक्विड ही नहीं हो जाता थोड़ा सा, तब तक आप इसको पल्स मोड पर ही चलाएं। ये देखें इस तरह से, एक एक सेकंड के लिए। अब हाफ क्वांटिटी में इसकी अलग कर रही हूँ ताकि इसमें अच्छी सी स्पेस बन जाए और इसको ग्राइंड होने का बहुत अच्छा, ग्राइंड होने की बहुत अच्छी सी जगह मिल जाए। अब अपने जार के हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, अभी भी मैं इसे पल्स पर ही कर रही हूँ क्योंकि अभी ये लिक्विड ही नहीं हुआ है, सिर्फ अभी जुड़ना शुरू हुआ है, क्योंकि इसमें थोड़ा ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो गया है, ये अपने ही ऑयल में ग्राइंड होगा। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, अभी तो सर्दियाँ आ रही हैं, बना कर रखें तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये, बच्चों की भी, बड़ों की भी। जो बच्चे खाना नहीं खाते, आपको पता है फास्ट फूड वगैरह, ये पिज़्ज़ा, पास्ता, तरह की चीज़ें खा लेते हैं, सैंडविचेस खाते हैं, सैंडविच खाने वाले बच्चे ज़्यादातर शौक से जो है। अब देखें, इसमें ऑयल आना शुरू हो गया, तो ये थोड़ा रनी होता जा रहा है। ये देखें, आप, मैंने आपके सामने कुछ भी नहीं किया, मैंने फास्ट फॉरवर्ड वीडियो की है लेकिन कट नहीं की। ये देखें, अब हाफ टी स्पून हम इसमें शहद ऐड कर रहे हैं, और टोटल हमने जितनी अमाउंट में पीनट या मूँगफली ली है उसमें हमने 1 टेबल स्पून ही हनी ऐड किया है। आप बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा, इसलिए कि बहुत ज़्यादा रनी नहीं होता ये पीनट बटर। इस पॉइंट पे अगर आपको चाहिए थोड़ा सा नमकीन, तो आप 2 से 3 चुटकी इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं। बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर पसंद होता है, आप इसमें चॉकलेट ऐड कर दें, या आपको कोको पाउडर ऐड कर दें। अगर आप चाहते हैं कोको पाउडर के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगी। अब देखें, रनी हो गया, लिक्विड ही होना शुरू हो गया ये। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही
हेल्पफुल बनता है। आप इसे घर में बनाएं, आपको पता होता है कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं, तो कोई शक वाली बात ही नहीं है कि आप मार्केट से लाएँ तो उन्होंने क्या क्या ऐड किया होगा, हमारी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं। बस अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे, ये देखें अब मैं इसे थोड़ा सा यानी कि 30-30 सेकेंड के लिए कंटिन्यू चला रही हूँ और ये अच्छे से पेस्ट की शक्ल में आ गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसमें आपको छोटे छोटे से ग्रेन्स नज़र आ रहे होंगे मूंगफली के दाने, तो आप चाहें तो इस पॉइंट पे बस आप रेडी हो चुका है, आप कर सकते हैं इसी तरह से। और मार्केट में तो आपने देखा होगा छोटे छोटे चंक्स भी उसमें होते हैं और वो जब हम बाइट लेते हैं तो बड़े ज़बरदस्त से क्रंची से लगते हैं क्योंकि रोस्टेड हैं। आप इस पॉइंट पर अब इसको जो है आप समझ लें कि ये रेडी हो गया है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा इसको हल्का सा और पेस्ट बनाऊंगी इसका। टोटल आपकी चॉइस पर है कि आप जो है आपको इतना थिक पसंद है या थोड़ा मीठा पसंद है या आपको किस तरह का आप बना सकते हैं। बस मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने इसको, बस एक बार और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था और इसको देखें कितना अच्छा से ये पेस्ट बन गया, एकदम क्रीमी सा बिल्कुल। मैंने इसमें छोटे छोटे से ग्रेन्स छोड़े हैं, फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, एकदम से गुड लुकिंग और खाने में तो है ही है टेस्टी, ये देखें। और मैंने इस पर एक ये चेरी आर्टिफिशियल पड़ी थी मेरे पास, वही मैंने इस पर गार्निश कर दी है। कितना खूबसूरत कलर आया है इसका, इसमें हमने आपने देखा होगा इसमें हमने कोई भी आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर ऐसी कोई भी चीज़ ऐड नहीं की है। आप चाहते हैं कि बच्चों के लिए आप लंच में देने के लिए चॉकलेट के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको चॉकलेट के साथ बनाना सिखाऊंगी। और आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चले मैं आपको इसको ब्रेड के स्लाइस पर लगा के दिखाती हूँ कितनी आसानी से ये लग जाता है। और आप इसको ऐसे ही खाएँ, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मेरी आज की छोटी सी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।